लेवल ठीक है सर, चलिए टेक कर, तुम्हारा चल रहा है सर? आप बताइए, आप रेडी हैं? ठीक ठीक है, चलिए। हम चाहे किसी भी चोर उचक्के को पकड़ते हैं। बकवास, रेडी? ना तो ये ठीक है, ना ही सही। चुन चुन के निकाले तूने डायलॉग, ये सारी आवाजें मेरी हैं। 1 करोड़ देना पड़ेगा, बस 1 करोड़ देना पड़ेगा, ठीक है? करे, 1 करोड़ देना पड़ेगा, एक साथ दे दूं तेरे को। रात और जिद, कुंग फू असर, इंग्लिश हिंदी दोनों लिखी। मेरी आवाज नहीं है? अरे यार, कहूं तो मैं अपना, ये मैंने 6 बार किया है रीड अप इस लाइन को, कहां से ढूंढ ढूंढ के सारे तुम लोग, तुम ये वाले क्यों निकाल रहे हैं? उस आसान भी निकालता है कि नहीं निकालता? एक और लेते, कैमरे के आगे नहीं आ रहा है, तो देख यार, ये चश्मा बहुत खराब लगेगा, हो गया? वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। मैं अपने आप को बहुत से भी ज्यादा खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे मौका मिला मिस्टर राजेश खट्टर जी से रूबरू होने का, और उससे भी बड़ी बात उनको लाइव परफॉर्म करते हुए देखने का। वाह, तो चलिए शुरू करते हैं आपके सबसे फेवरेट आयरन मैन और कैप्टन जैक स्पैरो से। दुश्मनों की एक एलियन फौज ने अंतरिक्ष में एक छेद से हमला कर दिया था। हम उस छेद के 300 फीट नीचे खड़े हैं। हम अवेंजर्स हैं। हम चाहे किसी भी चोर उचक्के को पकड़ते रहें, लेकिन वहां जो दूसरी दुनिया में है वो सबसे बड़ा खतरा है। ए भाई स्पैरो। जी हुजूर। क्या ख्याल है, रस्सी की हालत कैसी लग रही है? जी हमरे को तो ठीक ही लग रही है। बकवास, ना तो ये ठीक है, ना ही सही, समझे? ना तो ये काम की है, ना ही लंबी, बल्कि मैं तो कहूंगा ये घटिया है। अच्छा, बहुत से लोगों को लगता है कि राजेश जी सिर्फ ओकेजनली ही डब करते हैं, या इन्होंने सिर्फ आयरन मैन ही डब किया है, या जैक स्पैरो ही डब किया है। ना, इनके डबिंग की लिस्ट बड़ी लंबी है, जिसमें 2 फिल्म्स तो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, हॉब्स एंड शॉ और नरसिम्हा रेड्डी। देख मेरी तरफ, मैं आज ब्लैक सुपरमैन हूँ, बुलेट प्रूफ, ब्रिक्सटन का नया अवतार, और जितना मैं मशीनी बनता जा रहा हूँ उतना ही ताकतवर बनता जा रहा हूँ। ये है सही मकसद मशीनी बनने का। जमीन से लेकर फसल तक सब हमारा है, पसीना हमारा है, खेत हमारे, बीज हमारा है, पानी हमारा है, ये धरती हमारी है, इसका अनाज हमारा है, तो फिर हम तुझे लगान क्यों दे? एनिमेशन फिल्म्स मुझे पर्सनली ज्यादा अच्छी लगती है, और ज्यादातर एनिमेटेड कैरेक्टर्स के लिए आवाजें बनानी पड़ती है, जो राजेश खट्टर जी ने बखूबी किया है। अब चाहे हम बात करें आइस एज फिल्म के बड़े अतरंगी कैरेक्टर बक की। ओ, जिंदा नहीं बचेंगे, दिन चौथे खतरा है, रात्रि को जांच से खतरा है, और उनका गाइड भी तसाला खोता है। क्या आई लो मुझे बाप, वो तो सटकेला है। नहीं, मैं बिल्कुल सटकेला नहीं हूं, इनके बाप में गोंदू। शट अप। या इस बड़े से भद्दे से दिखने वाले श्रेक की। ओ, समझ गया मैं, तुम चाहते थे कि मैं सारे गांव का सर काट कर उन्हें भाले पर टांग देता, फिर एक चाकू से उनका बेजा निकाल कर उन्हें चबा कर खा जाता, यही चाहते हो ना तुम? या बात करें स्टोन एज में जी रहे ओवर प्रोटेक्टिव फादर के किरदार की। ओ, जरा सोचो, हमारा पूरा परिवार साथ साथ चला जा रहा है दूसरे देश में, दिन और रात, रात और दिन, साथ साथ, हंसेंगे, हंसाएंगे, मुंह फाड़ कर रोएंगे, गाएंगे। या टर्बो फिल्म में इस ओवर एंथुजियास्ट बड़ बोले रेसर की। वैसे एक चीता जब हिरन के पीछे भागता है तो क्या वो ये सोचता है कि मैंने बहुत हिरन मार लिए, अब मुझे कंदमूल खाना शुरू कर देना चाहिए? नहीं, वो भागता है जब तक उसके पैर उसके साथ भागते हैं। मैं चीते की औलाद हूँ, मैं कभी हारूंगा नहीं। एनिमेशन है तो वो कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, अब चाहे वो कॉकरोच ही क्यों ना हो। मेरे एसोसिएट ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, सूजन तो पार्टी की जान है। Sorry. एक ऐसी फिल्म जिसको राजेश जी ने लिखा भी है, उसमें नरेशन भी किया है और एक कैरेक्टर को डब भी किया है। पर ये भेड़िया बना है मर्दों और घोड़ों से, भालों और तलवारों से, गुलामों की एक फौज जो कल्पना से भी ज्यादा है और हमारे यूनान को हड़पने को तैयार है, सारी दुनिया से आजादी और इंसाफ की उम्मीद मिटाने को तैयार है। मैन इन ब्लैक के सेकेंड पार्ट में स्क्रैड एंड चार्ली, इस 2 सिरों वाले कैरेक्टर को भी सर ने ही अपनी आवाज दी थी। मैं बताता हूँ, मगर उससे पहले हम बनेंगे करोड़पति, पर रोशनी के लिए तुम्हें 1 करोड़ देना पड़ेगा। बीबी तुम कहो तो मैं लॉक कर दूँ, पर कैश देना चेक नहीं। जैक ब्लैक, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इन हॉलीवुड,
और इनकी ज्यादातर फिल्मों में राजेश जी ही अपनी आवाज देते हैं। तो ये बताओ एन कि तुम्हारे कपड़ों का साइज क्या है? ओ गॉड, मिस जेरो, आप बिल्कुल गलत समझ रही है। देखिए, मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूँ। निकोलस केज की एक बड़ी फिल्म घोस्ट राइडर के दोनों पार्ट में सर ने ही अपनी आवाज दी थी। पर आप दोनों बहुत ही अच्छे पुलिस वाले हैं और आप लोग बहुत बहुत सेवा करते हैं समाज की। और सच कहूं तो मैं अपना स्टंट करियर खत्म होने के बाद मोटरसाइकिल पुलिस वाला बनूंगा। एक्स मैन फिल्म सीरीज बहुत ज्यादा फेमस है और इसमें सर ने मैग्नीटो को अपनी आवाज दी है। ये समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा, हम अपना अलग समाज बनाएंगे। इंसानों ने हम पर बहुत जुल्म किए, अब हमारी बारी है जवाब देने की। और सिर्फ हॉलीवुड किरदारों को ही नहीं, हमारे बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा एक्टर्स हैं जिन्होंने हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई है, उनको भी सर ने ही अपनी आवाज दी है। जो बाँह वापस पाने के सपने आप देख रहे थे, भूल जाइए। मैं आपकी लेबोरेटरी बंद कर रहा हूँ, कल सुबह तक ऑफिस खाली हो जाना चाहिए। हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर मिस्टर ग्रे में ऐसी कौन सी काबिलियत है। हम सब में इस काम को अंजाम देने की खूबियां हैं, एक शिकारी, एक वैज्ञानिक, एक में अदृश्य होने की ताकत। ये लास्ट क्लिप शायद बहुत से लोगों के लिए एक सरप्राइज होगा। ए, 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 अगले दिन क्या हुआ? क्या कहा उसने? उस लड़की का क्या हुआ? और तुम्हारी ये ऐसी हालत कैसे हुई? ए, ए, स्पीक अप। अगर आप राजेश खट्टर जी के फैन हैं और उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो जाइए उनको सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए। उनकी इंस्टाग्राम और फेसबुक लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है।